हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। मेरा नाम है सौरभ। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा की वो खूबसूरत शानदार एमपीवी 7 सीटर एमपीवी कार की, जो कि इंडिया के मार्केट में काफी चर्चित कार बन रही है, यानी कि टोयोटा की अर्टिगा। पर आपने आज तक सुना और देखा होगा मारुति की अर्टिगा कार पर टोयोटा भी कुछ ऐसा ही किया है, जैसा टोयोटा ने कुछ टाइम पहले मारुति की ब्लेनो कार को ब्लेजा के नाम से इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया था। पर मीडिया में उछलती खबरों के अनुसार टोयोटा अपनी अर्टिगा कार को इंडिया में कुछ और नाम से भी लॉन्च कर सकता है। फिलहाल हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे टोयोटा अर्टिगा कार के फीचर्स के बारे में, लॉन्च के बारे में, और टोयोटा अर्टिगा कार की इंडिया में क्या प्राइस होगी। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 2020 की टोयोटा अर्टिगा कार कैसी लगी और आप इस न्यू अर्टिगा कार को खरीदना पसंद करोगे जब ये इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपसे टोयोटा अर्टिगा कार की तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया में लॉन्च होने वाली टोयोटा अर्टिगा एमपीवी कार में आपको BS6 नाम का इंजन देखने को मिलेगा, और ये BS6 इंजन आपको पेट्रोल की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। पर मीडिया में चलती खबरों के अनुसार टोयोटा अपनी अर्टिगा कार को डीजल की ऑप्शन में भी इंडिया में लॉन्च कर सकता है। वहीं पेट्रोल इंजन में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 105 BHP करीब पावर देगी, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाएगा। जबकि डीजल इंजन में आपको 1.4 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 85 BHP करीब पावर देगी। और ये BS6 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल और 4 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और टोयोटा की अर्टिगा कार आपको फ्रंट व्हील ड्राइव की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर बात करें टोयोटा न्यू अर्टिगा कार की माइलेज और परफॉर्मेंस की, तो BS6 इंजन की वजह से माइलेज और परफॉर्मेंस टोयोटा अर्टिगा कार की इंडिया में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें टोयोटा न्यू अर्टिगा कार के एक्सटीरियर की, तो टोयोटा की बेजिंग के साथ नए डीएन की फ्रंट की लाइट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डे टाइमिंग लाइट, एलईडी टेल लाइट, ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, शार्क फिश एंटीना, रूम फ्रेल, एसयूवी स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में, और टायर में आपको 8-17 इंच तक के बिल्कुल नए डीएन के अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे शानदार फीचर्स आपको टोयोटा अर्टिगा कार में एक्सटीरियर में देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर को काफी खूबसूरत बनाया गया है। इसमें आपको नए डीएन की सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, टोयोटा की बेजिंग के साथ 3-स्पोक मल्टी फोक स्टीयरिंग व्हील, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लार्ज डोर पॉकेट, बॉटम लैंड कप होल्डर, कीलेस एंट्री, 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, और म्यूजिक में 7 इंच तक का टच स्क्रीन डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करेगा। वहीं बात करें टोयोटा न्यू अर्टिगा एमपीवी कार की सेफ्टी की, तो इसके सेफ्टी में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग विथ साइड कटन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ पार्किंग असिस्टेंट, ABS विथ EBD, एसोफील्ड चाइल्ड लॉक, एंटी थेप अलार्म सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, हिल स्टार्ट असिस्टेंट, कॉर्निंग एसिबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक जैसे शानदार फीचर्स आपको टोयोटा अर्टिगा कार के सेफ्टी में देखने को मिलेगी। और 2020 की टोयोटा अर्टिगा कार आपको मारुति की एक्सेल और मारुति की अर्टिगा कार के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। और अब अगर बात करें टोयोटा अर्टिगा एमपीवी कार की लॉन्च और प्राइस की, तो इसके प्राइस में आपको 10 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक आपको एक शोरूम पड़ेगी। और टोयोटा अपनी अर्टिगा एमपीवी कार को इंडिया में 3rd क्वार्टर तक लॉन्च कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको 2020 की टोयोटा अर्टिगा कार कैसी लगी और आप इस न्यू अर्टिगा एमपीवी कार को खरीदना पसंद करोगे जब ये इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।